हेलो, कुड आई स्पीक टू साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी हाय। हाय, साक्षी, मैं ईशांत का बॉस बोल रहा हूँ और मैं नमस्ते 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 अपने नमस्ते। नमस्ते। सो तैयारी चल रही है दिवाली की? हाँ। जी, बिल्कुल। शांत बताते हैं आपके बारे में, हमें ना बताते रहते हैं कि आपसे बात सो हो आई रही एम है और आज सो तो बात ही हो गई आपसे। हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। हाउ वाज द दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर? रिंग सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉयज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ्स के लिए। तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली और हम क्या हर किसी को पूछ रहे थे कि रिंग में समझी नहीं, मुझे तो कोई रिंग नहीं मिली। शांत ने कुछ बताया नहीं, रिंग का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। तो ईशान ने रिंग नहीं दिया नहीं, अपनी? बीकानेर का डब्बा लाए थे, वो नमकीन और रसगुल्ले जिसमें होते हैं व्हाइट वाले। रिंग नहीं दी? सर कोई जिक्र ही नहीं हुआ रिंग का, तो आई आपसे डोंट नो, पता पता चल नहीं। रहा है खैर मुझे रिंग कोई का। बात नहीं, कोई बात। कब दी थी रिंग? कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉयज तो मतलब सबको मिली है रिंग और सबको ही आपने मिली है। इनको दी थी रिंग, इनको ही दी थी मतलब ईशांत मैंने, को? ईशान को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था मतलब हाँ, प्रॉपर? मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। मैं तो ये पूछ रहा था, नहीं कोई नहीं बात सर, नहीं नहीं, करना मैं आपको मैं। साफ बता देती हूँ। मेरे को, मैं बताती हूँ, अभी मंगलवार को पिछले तो मुझे सिर्फ इन्होंने डब्बा ला के दिया है बीकानेर वाले का। रिंग की तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ सर, बात ही नहीं करी है मैं मुझसे रिंग तो की। नहीं, तो कोई बात नहीं, हो सकता फैमिली मैटर हो। मैं नहीं तो सर, यहाँ से क्या रिंग फैमिली मैटर सर, ये आदमी ऐसे ही करता है हमेशा मेरे साथ। मतलब आपने पक्का दिया इन्हें रिंग? हर एम्प्लॉय की वाइफ के लिए, अच्छा, हर हर किसी को मिली है हर ऑफिस किसी को में? मिल गया मुझे ना। ईशांत ने मुझसे बात ही नहीं करी रिंग की सर। रिंग क्या, रिंग का कुछ नहीं मिला है मुझे सर। मैं तो, वो हो सकता है ना कोई फैमिली मैटर हो अपना क्या ये। फैमिली मैटर, बंदे को बताना तो चाहिए। इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया रिंग के बारे में। बेटे गुस्सा मत करो, हो सकता है उसकी नहीं कोई सर, मजबूरी फैमिली की रही। बात दिवाली नहीं। खराब सर सर करोगे दिवाली क्या खराब? सर आदमी ने बताया नहीं कि डायमंड रिंग मिली है सर। मतलब अच्छा अपना। सर एक बात बताओ, मुझे कब दिया आपने रिंग सबको? ये लास्ट ट्यूसडे दी है, अभी 4 दिन पहले हमने। बस बहन को देकर आ गया अपनी रिंग। तो क्या सर हो कहाँ गया गई बेटे? होगी इनकी बहन? उनकी तो आदत ही है सब कुछ पहले अपने घर मंगवा लेती हैं सर। मुझे मुझ पर मेरे पास नहीं आया सर आपका कोई भी गिफ्ट। चलो कोई नहीं सर आ आप रहा मेरी बेटे। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने अभी क्यों कॉल दिवाली करती में हूँ आप इस टेंशन आदमी ले को, रहे हो? कॉल करती क्या हूँ उसे। हेल्प करूं आपके बताइए? सामने मैं बात करती हूँ, मेरे को ये मेरी क्लियर मेरी करना है ना आवाज कि बात क्या सुनेगा है। तो वैसे ही नहीं बोल सर पाएगा सर आप ना। चुप रहिएगा, मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना आप किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर एक मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में, क्या हुआ? बाहर से दे आए ना मेरी बहन को जाके गिफ्ट सारा, डायमंड रिंग देख, मैंने सुना है। क्या नहीं, अपनी बहन को दे दो सारे के भरतों के घर जाके, सब कुछ उसी को दे दिया करो, वहीं पे रह भी लिया करो थोड़ा सा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा दिमाग पागल नहीं हुआ है, तुम क्या, तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है और उस पे? डायमंड रिंग का कहाँ है? कहाँ है डायमंड रिंग? कहाँ है? दीदी को दे आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। कौन सी डायमंड रिंग, किसने दिया, पागल हो गई हो क्या? इसमें तुम सब कुछ, मेरे घर के कपड़े भी उठा के ना उसको दो जाके अपनी बहन को। लोग ये किसने दिया डायमंड रिंग, किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का? विवेक का फोन? हाँ विवेक सर का फोन आया था। उसने बोला ही है हाँ जो डायमंड रिंग दी है ना तुम्हारे बॉस ने, उसकी बहन भागी है। वो बहन मिठाई का डिब्बा तो दे नहीं रहा था, रिंग देगा वो, ये कह रहा है वो? बॉस को गाली मत दो, पहली सही में उसका फोन आया था? बात तो है तमीज से बात करो। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? तमीज से बात करो अपने बॉस से। तमीज अरे वो उसकी बात मत मानो, कि वो निकम्मा आदमी एक नंबर का से वो। बात करो, एक तो तुम ना ही करो, तमीज ही नहीं है तुम्हारे खानदान में, किसी को अच्छा, तमीज नहीं है। बॉस बॉस की बड़ी पड़ रही है, बॉस की से बड़ी ऐसी पड़ रही है बात तुम्हें? करो, अच्छा, तमीज से बात और करो कुत्ते की बात पे भरोसा हो गया तुम्हें? ईशान, तमीज से बात करो, क्यों, क्योंकि बॉस 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 होते हैं और भगवान की तरह हर दम हमारे साथ होते हैं। हर वक्त मेरे साथ है, इसी बात का तो रोना है। ईशान तमीज से बात करो, बॉस के लिए नौकरी जाएगी तुम्हारी। अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था वो क्या कहते हैं वो। बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं, बुक तो सुन तो रही नहीं थी वही बात, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने से, समझ उनको भी बोल ही नहीं, कह। समझ उनको नहीं, समझ तो आपको भी नहीं आती कि कब मैं तुम्हारा मुर्गा बन गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये सुनिए, ये जो इंसान है शांत ईशांत, सर जी, ईशांत ईशांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ऐसी मजे कर रहा था मैं, और इनको इनके बॉस ने ओहो सिर्फ
अरे सर जी मरवा दिया यार आपने यार, दिवाली यहाँ पे बन रही थी। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। मैं रख रहा हूँ फोन, आप दोनों प्यार मोहब्बत से दिवाली मनाइएगा। हैप्पी दिवाली। हाँ, बाय बाय।